असलम कैसे हैं आप सब लोग आई होप्स बहुत अच्छे से होंगे खैर वाफियत के साथ होंगे अल्लाह ताला सबको खैर व सलामती के साथ रखे तो अभी जो है ना मैंने आज नाश्ता कर लिया था और आज ना मैं काफ़ी सुबह सुबह मैंने जल्दी से काम शुरू कर दिया था क्योंकि आज था ये फ्राइडे का विलोग है ये कल का आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ आपको पता है मैं एक दिन पहले का भी व्लॉग आप लोग के शेयर करती हूँ तो आज जो है ना मैंने थोड़ा सा पर्दे वगैरह धोने थे सारे कर्टनस वगैरह भी और साथ में ना थोड़ी सी विंडोज़ वग़ैरह भी साफ़ करनी थी क्योंकि कर्टन जो हैं वो फिर उतारूँ तो फिर मैं विंडोज़ भी साथ ही साफ़ कर लेती हूँ और यहाँ मैं अपने नाश्ते के बर्तन भी ना उठा के लेके जा रही थी क्योंकि जब हादिया और हुरिया सुबह गई थी ना तो उनको मैंने अंडा प्याज भून के दिया था आज और साथ में पराठा बना के दिया था तो मैंने ना तभी अपना पराठा बना लिया था मैंने कहा कि मैं भी उसी टाइम कर लूंगी क्योंकि फिर जब मैं घर के कामों में लग जाना था ना तो फिर वो नाश्ते का होश नहीं रहता बंदा कहता है अच्छा ये काम निपटा लें और फिर लंच का टाइम ही हो जाता है इकट्ठा ना तो इसलिए जो है ना फिर मैंने सुबह ही जल्दी से नाश्ता कर लिया था तो हमारे घर में इतने ज़्यादा कर्टन्स तो नहीं लगे हुए हैं बस ड्राइंग रूम वाले एरिया में लगे हुए हैं और रूम वाले एरिया में लगे हुए हैं एक रूम के अंदर तो हमने कर्टन्स लगाए ही नहीं है आपको पता है वो रूम वैसे ही खाली है तो वहाँ पे जो है ना कर्टन्स लगाए ही नहीं है और कर्टन्स मेरे पास ना थे भी अभी इतने ही तो फिर जहाँ पर जो ज़रूरी जगह थी ना मैंने वहाँ वहाँ कर्टन्स लगा दिए थे तो यहाँ मैं ना कल के कपड़े स्मेल नहीं कर रही हूँ आपको लग रहा होगा मैं स्मेल कर रही हूँ मैं अपने ना मुँह के साथ लगा के उनको चेक कर रही थी कि ये गीले हैं आजकल ना पता ही नहीं चलता कि कपड़े गीले हैं या सूखे हुए हैं हालांकि ये सारी रात बाहर सूखते रहे हैं और कुछ रात को ना ओस भी पड़ जाती है बट अभी तो जो है काफ़ी टाइम हो गया हुआ था यहाँ पे लेकिन फिर भी आ, कपड़ों को ऐसे जब भी फील करो तो लगता है जैसे गीले गीले कपड़े हैं तो आज जो है ना मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हुआ हुआ था वैसे तो काफ़ी दिनों से आपको पता है कि किस किस्म के हालात चल रहे हैं दुनिया में इर्द गिर्द लेकिन आज बस ना अभी मैं थोड़ी देर पहले मोबाइल के ऊपर वीडियोस देख के हटी तो मेरा इतना मूड ऑफ हो गया और वैसे भी जो है ना ऐसी वीडियोस देख के तो मुझे तो बहुत जल्दी रोना आ जाता है मेरा दिल वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आपको पता ही कि फ़लस्तीन में कैसे हालात हो रहे हैं तो बस फिर अभी मेरा थोड़ा सा मूड भी ऑफ था और मैं अकेली घर थी तो फिर वही सोचे बार बार ना वही वीडियोज़ देख के मेरे जहन में रिपीट हो रही थी बार बार तो एक दफ़ा मैं तो देख लूँ ना तो मेरा तो फिर सारा दिन अकेले ऐसी सोचों में गुजरता रहता है वो ही सोचे मेरे जहन में रिपीट होती रहती हैं तो अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों पर जो है ना वो अपना रहम करें जहां जहां पे भी मुसलमान है ना जब तकलीफ में होता है तो आपको भी Uh, वैसा महसूस होता है जब आप देखते हैं ना ऐसी वीडियोस तो मैं भी ऐसी वीडियोस देखती हूँ ना तो मुझे इतना बुरा फील हो रहा था कि उनके जो बच्चे हैं उनके साथ कैसा वो हो रहा था ना किसी बच्चे के माँ बाप चले गए और किसी के माँ बाप पे तो बच्चे चले गए दुनिया से तो उनके घर सब तबाह और ऐसी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा असर करती हैं तो मैं अपने बच्चों की जब एज अ मदर होते हैं ना आप तो आपको अपने बच्चों की वहाँ पर रख के एक सोच आना शुरू हो जाती हो आपका दिल और इतना बुरा सा होना शुरू हो जाता है ना और आज ना मैंने ये सारा वॉशिंग एरिया भी वॉश करना है मैंने कहा कि आपको थोड़ा बता दूँ और नीचे ये ना सारा वाइट वाइट पता नहीं क्या हो गया ये शायद अब थोड़ा थोड़ा सर्दी का मौसम आ रहा है ना तो मैंने सोचा इसको ना झाड़ू से अच्छे से झाड़ दूंगी नहीं तो ये सारा कपड़ों के साथ लग के और सूखे कपड़े जो होते हैं ना उनके ऊपर सारा वाइट वाइट सा पाउडर लगा होता है तो मैंने इसको पीछे से ना सारा वॉशिंग एरिया भी वॉश करना था और बस अब मैं ना एक बाल्टी के अंदर पानी लेके और इधर ही आ गई थी मैंने कहा मुझे बार बार कपड़ा वॉश करने के लिए जाना पड़ेगा तो मैं यहीं पे ना पानी रख लेती हूँ साथ में और विंडोज भी इतनी गंदी हो जाती हैं कोई हफ्ता पंद्रह दिन ही नहीं लगते विंडोज इतनी गंदी हो जाती हैं और पता नहीं आजकल बारिश वगैरह कभी नहीं है ना मौसम तो डस्ट डस्ट इतनी सारी है हवा में तो मुझे तो पता नहीं क्या होता है मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कोई कहता कि इतना विंडो गंदी है या फलानी चीज़ साफ़ करो पता नहीं मुझे खुद ही क्या मसला रहता है कि मुझे कहीं पर कुछ भी नज़र आ जाए ना तो मुझे होता है कि बस मैं इसको साफ़ कर दूँ ये मसला भी यकीन करें बहुत बुरा होता है बड़े सुकून में रहती हैं वो खुातन जिनको जो है ना इधर उधर इतना मैस्क बिखरा हुआ भी हो ना तो वो सुकून मेंटली सुकून में रहती हैं मेरा तो ना दिमाग का सुकून ही गारत हो जाता है अगर मैं देख लूँ कि यहाँ पे गंदगी है यहाँ पे कुछ सफाई करने वाला है तो बस मैं यहाँ पे ना मैंने कहा कि चलो विंडोज भी माशाल्लाह से इतनी इतनी बड़ी है ना कि साफ करते लग समझ जाती है शीशे को अलग से साफ करना पड़ता है आपको और जो है ना ये नीचे से अलग साफ करना पड़ता है और अभी मैं विंडो की ना सारी वो जो जाली है वो साफ कर रही थी उसके इतनी इतनी मिट्टी चढ़ जाती है दस दिन हफ्ते के अंदर ही और जो नीचे वाला एरिया अभी मैं साफ़ कर रही हूँ ना ये सारा भी एक अलग एक से सारा साफ करना पड़ता है तो दो तीन स्टेप में जाके कई विंडो साफ़ होती है तो मैंने फिर आपको ये ही विंडो दिखाई है मैंने कहा आप लोग बोर हो जाएंगे विंडो तो मैंने अपने घर में किचन की भी विंडो साफ़ की और तीन रूम्स की भी मैंने विंडो साफ़ की ना तो काफी टाइम मुझे लग गया तो अभी कपड़े साथ साथ पीछे धुल रहे थे और मैंने कुशन्स के कवर भी उतारे हुए थे और मैंने सोचा चलो ये थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं फिर आगे जो है ना सर्दी अचानक से आ जाती है और फिर सारे रज़ाइयों के कवर भी चढ़ाने वाले हो जाते हैं तो फिर काफ़ी छोटे छुट छोटे काम निकल आते हैं तो चलो आहिस्ता आहिस्ता से शुरू करूँगी तो तब तक कुछ ना कुछ तो पहुँच ही जाऊँगी तो अभी मैं न फिर गराज साथ में वॉश करना शुरू कर दिया और वॉशिंग एरिया में ना कपड़े स्पिन हो रहे थे साथ साथ में तो भाई हमने तो सारी चीज़ों का बाइकआउट किया हुआ है जब मुझे अंदाज़ा नहीं था ना कि कुछ चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं ना घर की चीज़ों में वो वहाँ से आती हैं जैसे ये इसराइल की कंपनियों की ये जो भी हुई लॉबी है तो मैंने तो वो चीज़ें जो है ना वो यूज़ करना ही छोड़ दी हैं और मैं तो अपने बच्चों को भी बता रही थी कि आपने ये जो है ना मैकडोलेंड और ये सब के एफ ये मत खाया करो तो बच्चों को भी ना बच्चे कह रहे थे कि क्यों नहीं खाने ना फिर मैंने उनको कुछ थोड़ी सी वीडियोज जब दिखाई ना उनको थोड़ा सा इल्म हुआ इस चीज का तो वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गए और अब उन्होंने वाकई कहा कि हम लोग भी ना ये वाली चीजें नहीं खाएंगे तो जब हम वैसे किसी को बता रहे हो ना कि ऐसे ऐसे ना करो तो फ़ौरन असर नहीं होता लेकिन जब आप अपनी आंखों से दिख लेते हैं ना तो फिर ज्यादा असर होता है तो मेरी जो बड़ी बेटी है ना हाथ गया वो तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है जितनी मैं बचपन में होती थी, थी ना उसके कोई दस गुना ज्यादा सेंसिटिव है तो उसने तो जब देख ली ना तो वो तो सारी रात ही काफ़ी मतलब जागती रही और थोड़ी सी डिस्टर्ब भी रही लेकिन मैं समझती हूँ कि कुछ बच्चों को दिखाना ज़रूरी है अब बच्चे वो फाइव क्लास में माशा तो बच्चों को इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम लोग ये चीज़ें क्यों नहीं हमने खानी है हमने क्यों छोड़नी है और कैसे मुल्क में हालात चल रहे हैं बिल्कुल बच्चों को अन नोन नहीं रखना चाहिए चीज़ों से और मैं तो अपनी बेटी को जो है ना वो यही समझाती हूँ कि बेटा शेयर नहीं बना करो शेयर बना करो मुसलमान सिर्फ़ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता है तो फिर बच्चे जो है ना वो ज़रा उनकी अपब्रिंगिंग में ये चीज़ शामिल हो जाती है तो बस फिर हम लोगों ने अब इन सब चीज़ों का बाइकट किया और छोटी छोटी चीज़ों से ही जो है ना वो असर पड़ता है तो अभी मैंने ग्राज काफ़ी वॉश कर लिया था बाहर से भी और इस टाइम जो है ना काफ़ी कम भीड़ होती है बाहर सुबह सुबह तो वैन वालों का इतनी पीम पीम पॉम्प वॉप हो रही होती है इतना ज़्यादा रश होता है बाहर कि सुबह सुबह मैं अक्सर वॉश करने के लिए उठती थी ना कि सुबह सुबह बाहर से कर दूँगी वॉश तो वो एक वैन गुजरी दो गुज़री और फिर कोई ऑफिस जाने वालों का रश तो मैंने अब ये वाला टाइम चूज़ किया है नौ दस बजे काफ़ी रश खत्म हो जाता है कोई भी गुजर नहीं रहा होता ना हमारे मेन रोड से से भी भी फुल खामोशी होती है तो तो मैं फिर काफ़ी अच्छे से बाहर रैंप वॉश कर लेती तो अक्सर लोगों से जब मैं ये सुनती हूँ ना अक्सर लोग कहते हैं कि चीजें छोड़ने से क्या फर्क पड़ना है ना उनकी चीजें छोड़ के हमें क्या फर्क पड़ जाएगा इतना लेकिन यकीन मानिए हमें तो हमारे अमल के मुताबिक जितनी हमें सकत है हम उतना तो काम कर सकते हैं ना अल्लाह तो हमारी नीत देख रहा है ना अब हम बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते कि हम हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है जितना है हम उतना तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता है माल का दारो मदार नीयतों तो पर होता है आप अच्छी नीयत भी करें तो उसका स्वाब मिलता है तो हम नफ़रत में या समझ नफ़रत ही है ना हमें जो हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म करे तो हम जो जितना हमसे हो सकता है हम उतना तो ज़रूर कर सकते हैं ना उतना तो हमें हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए सभी को थोड़ा थोड़ा करते हैं वो कहते हैं ना कतरा कतरा मिलके जो है वो फिर समंदर बन जाता है तो यहाँ पे जो है ना मैंने पहले सोचा था मैं कर्टन ऊपर छत पे जाके फैला के आऊँगी लेकिन फिर मैं तो थक गई थी इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के मैंने मैं कहा मैं कहाँ पे ऊपर जाऊँ मैंने ना फिर ये कुछ खुश भी हो गए थे मैंने अंदर बेड पे इनको फैला के ना तो मैंने ऊपर फ़ैन ऑन कर दिया था तो ये पहले से स्पिन हुए हुए थे और फिर मैंने ना इनको इधर ही ऐसे डाल दिया मैंने कहा इनको आयरन भी नहीं करना पड़ेगा और ये इधर ही सूख भी जाएंगे सिलवटे भी नहीं पड़ेंगी तो बस अब मैं ना जल्दी से बेड शीट बिछा लूँ और आज बच्चे जो है ना वो इतने लेट हो गए हैं आने में और बाहर जो है ना हमारे काफ़ी पाइप वगैरह कुछ सीवरेज का काम चल रहा है मेन रोड पे और उनकी वैन जो है ना वो वहाँ पर स्टॉक हुई हुई है तो काफ़ी लेट होगी इस टाइम पे सवा एक बजे का टाइम हो गया है और मैंने आज सोचा था कि मैं जल्दी जल्दी कोई ग्यारह बजे तक सारा काम शाम कर लूँगी पर इतने कम लंबे काम हो जाते हैं तो बस अभी बच्चे भी आ गए थे स्कूल से और मैंने कर्टन वगैरह डाले तो शुक्र है कमरों की हालत ठीक हुई वरना गंजे गंजे से कमरे लग रहे थे कर्टन से उतारने के बाद और मैंने आज बनानी थी आलू गोभी बट फिर आलू गोभी के नसीब ही इतने ठंडे हैं कि वो रह जाती है हर दफ़ा और बस फिर मुझे टाइम नहीं मिला मैंने फटाफट से बस सैंडविच बनाए कि ये खा लेते हैं लंच में और रात को कुछ देखेंगे कि अब क्या करना है ना तो बस यहाँ काफ़ी हद तक सारा काम हो गया था में मैंने पकोड़े बना लिए थे तो यहीं पे आज के भी लोग को ना ख़त्म करते हैं आई होप आपको अगर कोई बात बुरी भी लगी है तो उसके लिए सॉरी बट जो है ना मेरा दिल बहुत भरा हुआ था तो मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं लाजमी ये वाली बात शेयर करूँगी तो चले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफि